नमस्कार, मैं नितिन कुमार जांगी, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल, जीपीसी हनुमानगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक के बारे में। लास्ट लेक्चर्स में हमने स्लिप, टॉर्क डेरिवेशंस और सभी टॉर्क्स में रिलेशनशिप देखे हैं। आज हम टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे। चलिए चलते हैं। टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे, जैसा मैं हर स्लाइड्स में बताता हूँ और लेक्चर स्लाइड में बताता हूँ। पहला है जो डेवलप टॉर्क होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, वो उसका फॉर्मूला है के इंटू एस ई टू नोट स्क्वायर आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू नोट का स्क्वायर, जहाँ के क्या है हमारा, के है 3 × 60 अपॉन 2 π एन एस से हम 3 ω एस लिखते हैं, ठीक है। एक सेकेंड पॉइंट है जो स्लिप होती है, फुल लोड स्लिप जो होती है उसकी वैल्यू 5 to 1% होती है। जैसे हमने स्लिप की लेक्चर में भी बताया था, 5% होती है स्मॉल मोटर्स के लिए और 1% होती है लार्ज मोटर्स के लिए, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है वह स्लिप जिस स्लिप के ऊपर मैक्सिमम टॉर्क अकर होता है ना, वो 10% के अराउंड होती है, या ये समझ लो कि SM जो होते हैं ना, जिस स्लिप के ऊपर हमें मैक्सिमम टॉर्क मिलता है उसका मान होता है लगभग 0.1 के अप्रोक्सीमेट, ठीक है। वो आपको जब ड्रॉ करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। पहले आपको तीन रीजन देखने होंगे, पहला लो स्लिप रीजन, मीडियम स्लिप और हाई स्लिप। पहले हम बात करते हैं लो स्लिप रीजन की, ठीक है। लो स्लिप रीजन का मतलब जो हमारा रोटर है ना, वो सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कर रहा है। तो जब सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कर रहा है तो हमारी स्लिप क्या होगी, स्लिप होगी अराउंड जीरो, मतलब नियर बाय जीरो, ठीक है। एग्जैक्ट अगर जीरो सिंक्रोनस स्पीड होता तो स्लिप होती जीरो, ठीक है। इस केस में हमारा आर टू ये जो रेजिस्टेंस है, और एक्स एक्स टू नोट ना, अगर स्लिप बहुत कम है तो एस इंटू एक्स टू नोट स्क्वायर बहुत कम हो जाएगा, तो जिसे हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा टॉर्क का फॉर्मूला ना, इसमें ये पार्ट हो जाएगा लगभग जीरो, नियर बाय जीरो। जब एस हम बहुत कम हो, जैसे 0.01 है, उसका स्क्वायर करते हैं तो 10⁻⁴ होता है, ठीक है। तो हम इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो हमारा जो ओवरऑल फॉर्मूला क्या बनेगा, के इंटू एस ई टू नोट स्क्वायर अपॉन आर टू, ठीक है। जहाँ पे हमारा आर टू और ई टू नोट हम कॉन्स्टेंट मान सकते हैं, इंड्यूस डीएमएफ फॉर आर टू हमारा कॉन्स्टेंट होता है ना, तो उस केस में के वन क्या लिख सकते हैं, हम के वन नया कॉन्स्टेंट डेराइव करते हैं, वो क्या होता है, के इंटू ई टू नोट स्क्वायर अपॉन आर टू, ठीक है। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, जो डेवलप टॉर्क है वो हो जाएगा के वन इंटू एस। इससे क्या रिप्रेजेंट हुआ, इसका मतलब ये है कि जो हमारा लो स्लिप रीजन के जो टॉर्क होता है ना, वो स्लिप के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जो अब देखिए, जिस इसमें लिखा हो ड्यूरिंग लो स्लिप रीजन टॉर्क स्लिप करेक्ट हुआ, क्या होगा हमारा, स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन क्यों, क्योंकि हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ये देखो, ये जो डेवलप टॉर्क और स्लिप है वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उस केस में हमारा जो टॉर्क स्लिप कर्व अगर हम बनाएंगे ना, करेक्टरिस्टिक बनाएंगे, तो वो लो स्लिप रीजन में क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना आप। दूसरा हम देखें मीडियम स्लिप रीजन। मीडियम स्लिप रीजन में क्या होता है, हमारा जैसे स्लिप इंक्रीज होता है, लो वैल्यू से मीडियम की तरफ जाता है, तो जैसे स्लिप इंक्रीज होगा तो हम ये कह सकते हैं ना, स्पीड डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और स्पीड डिक्रीज या स्लिप इंक्रीज कैसे होगा, जब इंक्रीज हो लोड हो, मतलब लोड बढ़ाते हैं तो हम क्या होते हैं, स्पीड डिक्रीज होता है, वो हम आगे देखेंगे कैसे स्पीड डिक्रीज होता है और स्लिप इंक्रीज होती है। तो अगर सेम वैसे जैसे लो स्लिप रीजन में देखा था हमने, यहाँ क्या करना है, जो ये टर्म होगा एस इंटू एक्स टू नोट स्क्वायर, अगर स्लिप का मान ज़्यादा है तो ये बहुत ज़्यादा होगा, तो हम ये मान सकते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस है आर टू, रोटर रेजिस्टेंस, उसका स्क्वायर बहुत कम हो जाएगा, तो हम इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब इसको नेगलेक्ट किया तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसे हो जाएगा, के इंटू ई टू नोट स्क्वायर अपॉन एस इंटू एक्स टू नोट स्क्वायर। क्या करना है, आर टू नोट स्क्वायर है ना, उसको जीरो रख देना, क्यों, क्योंकि ये नेग्लिजिबल है, ठीक है। क्योंकि एस एक्स टू नोट स्लिप हमारे हाई रीजन में या मीडियम स्लिप रीजन में तो उसका मान ज़्यादा है, तो हम इसको ये कहते हैं कि ये जो वैल्यू है ना डिनोमिनेटर के अंदर एस एक्स टू नोट स्क्वायर, ये वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा है, तो इसको हटा दो, ठीक है। तो ये जो हमारा, अब आपने लास्ट लो स्लिप रीजन में क्या था, हमारा डेवलप टॉर्क था वो प्रोपोर्शनल था, लेकिन यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। लेकिन मीडियम स्लिप रीजन के अंदर हमारा जो टॉर्क है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्लिप के। तो जो टॉर्क स्लिप कर्व होगा ना हमारा मीडियम स्लिप रीजन में, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, ठीक है। अब देखिए एक पॉइंट आप ध्यान रखिए, जब ग्राफ लो स्लिप रीजन, लो स्लिप रीजन में स्ट्रेट लाइन बनती थी और हाई स्लिप रीजन में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जैसे एक हमारा ये है, ये हम डिपेंडेंट करते हैं टॉर्क को, ठीक है। ये हमारा है टॉर्क और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में होती है हमारी स्लिप, ये है स्लिप, ठीक है। तो हमारा जैसे स्लिप का मान बढ़ाएंगे लो स्लिप रीजन में, जैसे स्लिप का मान बढ़ेगा तो हमारा टॉर्क क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन कुछ समय बाद के जैसे स्लिप मीडियम रेंज में चली गई, तो फिर उसके बाद क्या होता है, टॉर्क हमारा कम होता जाएगा,
ये टॉर्क कम होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें टॉर्क क्या मिलेगा, मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पे टॉर्क मिलेगा मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम टॉर्क हमारा कहाँ पे मिलता है, जब स्लिप का मान, जब स्लिप का मान हमारा क्या हो, एस एम, है ना, मैक्सिमम इस स्लिप के ऊपर मैक्सिमम टॉर्क मिलता है, ठीक है। तो यही पॉइंट लिखा हुआ कि जब ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में चेंज होता है ना, तो ये एक मैक्सिमम टॉर्क से गुजरता है जो स्लिप एस एम पे हमें मिलता है, ठीक है। अब देखिए हाई स्लिप रीजन की अगर बात करें, हाई स्लिप रीजन में क्या होता है, हाई स्लिप रीजन में क्या होता है, टॉर्क सेम डिक्रीज होगा, ठीक है। टॉर्क डिक्रीज होता है ना, जैसे हमने लास्ट ग्राफ डिजाइन किया था उसमें भी देखा था, बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम टॉर्क के बाद टॉर्क डिक्रीज होता है। तो अगर टॉर्क डिक्रीज होगा और स्लिप का मान इंक्रीज हो रहा है, तो मोटर क्या होती है, धीरे धीरे स्लो होती है और स्टॉप्स हो जाएगी, वो हम देखेंगे आगे कैसे रुक जाती है। फिर क्या है कि हमारा जो मैक्सिमम टॉर्क होता है, ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क कहाँ पे मिलता है हमें, जब एस स्लिप का मान एस एम है, और एस एम कैसे होता है, आर टू अपॉन एक्स टू नॉट, यही होता है ना। फिर देखिए मैक्सिमम टॉर्क हमारा इंडक्शन मोटर में जो होता है, उस टॉर्क को हम बोलते हैं पुल्ड आउट टॉर्क और ब्रेक डाउन टॉर्क। पुल आउट टॉर्क और ब्रेक डाउन टॉर्क ये है कि इस जिसके बाद हमारी मोटर, ठीक है, मोटर स्टेबल रीजन में नहीं होती और वो कंटिन्यूसली उसकी स्पीड डिक्रीज होती जाती है और फाइनली लास्ट में जाके वो रुक जाती है, हॉल्ट कंडीशन में आ जाती है। जो पुल आउट टॉर्क या मैक्सिमम टॉर्क या ब्रेक डाउन टॉर्क होता है ना, वो हमारा होता है 2 to 3 times ऑफ रेटेड फुल लोड टॉर्क। ये चीज़ आप, ये पॉइंट बहुत ही याद रखना, जो हमारा पुल आउट टॉर्क होता है वो 2 to 3 times होता है किसके, रेटेड फुल लोड टॉर्क की। ये पॉइंट हमें आगे हेल्प करेंगे टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक डिजाइन करने में। चलिए तो अब डिजाइन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में स्लिप बनाते हैं, स्लिप एस को यहाँ से इंक्रीजिंग वे में, फिर वर्टिकल एक्सिस में हम टॉर्क को बनाते हैं, ठीक है, ओके। फिर हमारा जैसे यहाँ पे अगर स्लिप का मान जीरो से स्टार्ट करते हैं, स्लिप का मान जीरो, टॉर्क जीरो, तो स्लिप जीरो, तो यहाँ पे हमारे रोटर की स्पीड क्या मान रहे हैं, सिंक्रोनस होती है ना, तभी तो स्लिप जीरो होगी, ठीक है। फिर ये देखिए हमने लो स्लिप रीजन में क्या दिया, लो स्लिप रीजन में ये बताया था टॉर्क इक्वल टू के वन एस, इसका मतलब जो हमारा स्लिप का मान बढ़ेगा तो टॉर्क का मान बढ़ेगा, और कैसे बढ़ेगा, लीनियरली बढ़ेगा, स्ट्रेट लाइन बनाया था। तो ये है हमारा लो स्लिप रीजन के अंदर टॉर्क स्लिप कर्व है, ठीक है। फिर हमने क्या बोला था कि मीडियम रेंज के अंदर क्या होता है कि वो हमारा जो टॉर्क स्लिप कर्व था वो डिक्रीजिंग जाता है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे वो उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो, जो हमने लास्ट में भी देखा था। तो ये है मैक्सिमम टॉर्क, यहाँ पे हमें मिलेगा मैक्सिमम टॉर्क। फिर देखो ना यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, फिर उसके बाद यहाँ इस मैक्सिमम पॉइंट के बाद वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो ये है हमें मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू, जिसे हम पुल आउट टॉर्क भी बोलते हैं या ब्रेक डाउन टॉर्क भी बोलते हैं, ठीक है। और ये टॉर्क की वैल्यू कहाँ पर मिलेगी हमें, ये मिलेगी जब स्लिप का मान एस एम हो, एस एम के ऊपर मिलेगी, ठीक है। फिर हम देखते हैं जो मीडियम स्लिप रीजन में हमारा टॉर्क क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्लिप के। तो अगर स्लिप का मान इस रीजन में बढ़ रहा है तो टॉर्क का मान घटेगा, और किस वे में घटेगा, वो होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा है, ठीक है। तो जो टॉर्क स्लिप कर्व है हमारा, याद रखना, मीडियम स्लिप रेंज में वो होगा हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और लो स्लिप रीजन में हमारा होगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जैसा हमने लास्ट में डिस्कस किया था। फिर देखिए एक टाइम ऐसा आएगा जब स्लिप का मान क्या होगा, मैक्सिमम, और स्लिप का मान मैक्सिमम कितना आता है, वन, ठीक है। और स्लिप का मान मैक्सिमम कहाँ पे होता है, जब रोटर की स्पीड जीरो, या मतलब होल्ड कंडीशन में, जब रोटर ब्लॉक्ड हो, ये सब ये मतलब रोटर रोटेट नहीं करा, उस कंडीशन में हम स्लिप वन मिलेगी, और स्लिप की रेंज क्या होती है, जीरो से वन के बीच में होती है, ये है मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। स्टार्टिंग टॉर्क मतलब स्टार्टिंग में वो कितने टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है इंडक्शन मोटर, कितना टॉर्क डेवलप कर रहा है, वो है स्टार्टिंग टॉर्क, और जब होगा रोटर की स्पीड जीरो, ठीक है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं जो पीक है हमारा, ये पीक जो है ये मैक्सिमम टॉर्क को बताता है, तो टो मैक जो है हमारा मैक्सिमम टॉर्क, ये पीक शो कर रहा है यहाँ पे, और जिसे हम बोलते हैं पुल आउट और ब्रेक डाउन टॉर्क। तो लो स्लिप रीजन हमारा स्टेबल है, और हमारा जो टॉर्क कर्व क्या है, टॉर्क स्लिप कर्व क्या है, इसमें स्ट्रेट लाइन है। मैक्सिमम टॉर्क के बाद का जो कर्व है, ठीक है, वो क्या है हमारा, वो है मीडियम स्लिप रीजन का, और मीडियम स्लिप रीजन के अंदर हमारा टॉर्क स्लिप कर्व क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और हमारा रीजन क्या है, वो है अनस्टेबल रीजन। वो अनस्टेबल क्यों है, स्टेबल क्यों है, वो हम पॉइंट देखेंगे, ठीक है। आगे अब देखिए टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक में लोड का क्या इफेक्ट होता है, वो हम देखेंगे, जैसे स्टेबल और अनस्टेबल पॉइंट की जैसे हमने बात की थी वही देखेंगे हम। एक चीज़ आप याद रखना, जब डेवलप टॉर्क है ना हमारा लोड टॉर्क से ज़्यादा हो, जब डेवलप टॉर्क लोड टॉर्क से ज़्यादा हो,
उस केस में मोटर क्या करती है, एक्सलेट करती है, क्योंकि लोड के पास टॉक छोटा से मतलब लोड लगा हुआ है, तो जो मोटर की टॉक डेवलप हो रहा है वो क्या उसको आसानी से घुमा देगा, तो मोटर एक्सलेट करती है और स्पीड इंक्रीज होती है, एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट क्या, अगर मान लो लोड टॉर्क बढ़ गया, ठीक है, डेवलप टॉर्क तो उतना ही था लेकिन लोड अब बढ़ा दिया, तो लोड बनाने से क्या होता है, स्पीड कम होती है ना, तो जैसे मोटर डिसलेट होगी और स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। ये दो पॉइंट्स याद रखना, आपको स्टेबल अनस्टेबल पॉइंट सब बता दूंगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं। पहले आप मानो कि हमारा स्टार्टिंग में क्या होता है, फ्रिक्शनल होते हैं लॉस, ठीक है, फ्रिक्शन होगा ना, जैसे मोटर रोटेट करे उसके अपोजिट साइड में फ्रिक्शन लग गया, मान लो कि ये फ्रिक्शनल लोड है, ठीक है, ये है फ्रिक्शनल टॉर्क, ये लोड है उस टाइम, वो जब ये फ्रिक्शनल लोड है ना, वो स्टार्टिंग टॉर्क हमारा ज़्यादा है, तो स्टार्टिंग टॉर्क का मान ज़्यादा है और फ्रिक्शनल टॉर्क कम है, तो मोटर क्या होगी हमारी, ये स्टार्टिंग टॉर्क है, ये जो टॉर्क है ये मोटर की है और ये फ्रिक्शनल टॉर्क ये लोड की है, ये मान लो आप, तो स्टार्टिंग टॉर्क अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, और ये फ्रिक्शनल टॉर्क से तो मोटर क्या होगी एक्सेलेरेट, और एक्सेलेरेट करेगी तो स्पीड क्या होगी, स्पीड इंक्रीज होगी, तो किधर जाएगा वो, ऐसे जाएगा पॉइंट, ठीक है, स्पीड इंक्रीज होती गई यहाँ पे, इस पॉइंट पे देख लो, इस पॉइंट पे भी हमें स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा मिल रहा है, तो स्पीड वापस एक्सेलेरेट करेगी, इंक्रीज होगी, फिर वापस यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक्सेलेरेट करेगा, इंक्रीज होगी, फिर ऐसे जाते जाते यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है, यहाँ पे पहुँचने के बाद वो देखेगा कि ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है, स्टेबल रीजन में पहुँचे, यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुँचे तो अब दोनों टॉर्क का मान बराबर हो जाएगा, तो ये होगा स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पर ऑपरेट करेगी, ठीक है, इसीलिए हम इसको स्टेबल रीजन बोलते हैं, क्यों, इस पॉइंट पर वो स्टेबली ऑपरेट कर रहा है, इसीलिए हम इसको स्टेबल रीजन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये हुआ, ये है ऑपरेटिंग पॉइंट, जब नो लोड की कंडीशन, मतलब सिर्फ फ्रिक्शनल लॉस जो लॉस है या फ्रिक्शनल टॉर्क है, फ्रिक्शन की वजह से जो टॉर्क है ना वो है सिर्फ, ये है हमारा नो लोड के केस में, और स्पीड क्या होगी n1। अब देखो कि आपने टॉर्क बढ़ाया, ये स्टेबल रीजन की ये टॉर्क बढ़ाया, तो टॉर्क बनाने से यहाँ पे देखो हमारा टॉर्क बढ़ाया, पहले जो डेवलप टॉर्क था, ठीक है, यहाँ पे था, और लोड टॉर्क अब क्या है ज़्यादा, ये जो कर्व है ना हमारा, याद रखना है डेवलप टॉर्क का कर्व है हमारा, मोटर इंडक्शन मोटर की परफॉर्मेंस है, और ये जो है ना डोटेड, ये जो है ना ये हमारा लोड का करेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे इस पॉइंट पे लोड बढ़ा दिया हमने, पहले यहाँ पे था, अब लोड बढ़ाया, और हमारा डेवलप टॉर्क है वो तो अभी भी यही है, लेकिन जैसे ही लोड बढ़ाया तो लोड हमारा टॉर्क ज़्यादा होगा डेवलप टॉर्क से, तो उस केस में मोटर क्या होगी डिसलेरेट होगी और स्पीड क्या होगी डिक्रीज होगी। तो जैसे अब लोड बढ़ते हैं तो स्पीड डिक्रीज होती है ना, तो स्पीड डिक्रीज होते कर वो किसी किस तरफ जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है, यहाँ इधर जाएगा, और यहाँ कुछ मान लो यहाँ पे पॉइंट पे रुकता नहीं है, क्योंकि कुछ इनर्शिया होता है मोटर का, तो इनर्शिया होने की बजाय एक ऐसे नहीं है कि दोनों पॉइंट जब टॉर्क बराबर हो गए तो उसी टाइम पे जाके रुक जाएगी, तो उसको कुछ टाइम लगेगा स्टेबल होने के लिए। अब वो टाइम क्या है, जैसे यहाँ पे पहुँचनी थी लेकिन वो इस पॉइंट को क्रॉस कर गई, यहाँ पे आ गई, ठीक है, इस पॉइंट पे आ गई, मान लो इस पॉइंट पे आने के बाद यहाँ पे देखा, जैसे इस पॉइंट को मैंने ए डिनोट कर दिया ना, इस पॉइंट को ए डिनोट कर दिया, ए पॉइंट पे पहुँची, अब इस ए पॉइंट पे पहुँची तो यहाँ पे डेवलप टॉर्क लोड टॉर्क से क्या हुआ ज़्यादा हुआ, डेवलप टॉर्क लोड टॉर्क से ज़्यादा है ना, तो इस केस में मोटर क्या करेगी एक्सेलेरेट करेगी, और मोटर एक्सेलेरेट करे तो स्पीड क्या होगी इंक्रीज होगी, तो वापस क्या किधर की तरफ जाने लग जाएगा वो, वापस नीचे की तरफ जाने लग जाएगा, फिर यहाँ पे पहुँचेगा मान लो, फिर ये पॉइंट को मैंने बी से डिनोट कर दिया, यहाँ पे पहुँचा, फिर वापस यहाँ पे कुछ यहाँ पे आ जाएगा, फिर कुछ यहाँ पे आ जाएगा, और फाइनली कहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा, फाइनली हमारे एक स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट पे सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट इसलिए कि ये ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल रीजन में, इसलिए स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये स्टेबल रीजन की ओर, ये अनस्टेबल रीजन की ओर, देखो मान लो कि मोटर हमारी यहाँ पे ऑपरेट करी, ये लोड टॉर्क इसके इक्वल है, और जैसे ही लोड बढ़ाया, मान लो लोड बढ़ाया, तो लोड बढ़ाने से अब इस केस में क्या हुआ, हमारा लोड टॉर्क किससे ज़्यादा हुआ, डेवलप टॉर्क से ज़्यादा हुआ, और डेवलप टॉर्क से ज़्यादा हुआ तो स्पीड मोटर क्या होगी डिसलेरेट होगी, स्पीड डिक्रीज होगी, तो स्पीड डिक्रीज होगी तो किधर जाएगा कर्व, स्पीड डिक्रीज होगी तो कर्व जाएगा इधर, इधर जाएगा, ठीक है, और फाइनली धीरे ऐसे करते करते कहाँ पे चला जाएगा, जब मोटर रुक जाएगी, ठीक है, लेकिन जाना किधर चाहिए था, इधर चाहिए था स्टेबिलिटी अगर बनानी होती, और जैसे मान लो इसकी, ठीक है, तो ये है जो रीजन है ना हमारा, ये है अनस्टेबल रीजन। सेम हम अगर नेक्स्ट लोड की बात करते हैं, फिर मैंने वापस लोड को बढ़ाया, ठीक है, अब मान लो लोड और बढ़ा दिया, डेवलप टॉर्क कहाँ पे है, यहाँ पे लोड टॉर्क बढ़ा, तो डेवलप टॉर्क से लोड टॉर्क बढ़ा, ठीक है, लोड टॉर्क हमारा बढ़ गया डेवलप टॉर्क से, तो मोटर क्या होगी डिसलेरेट होगी, डिसलेरेट होगी तो स्पीड डिक्रीज होगी, तो कर्व किधर जाएगा,
कुछ यहाँ पे ऑपरेटिंग पॉइंट कुछ यहाँ पे जाना चाहिए, फिर वापस सेम यहाँ पे पावर स्विंग होगा और फाइनली कहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा, यहाँ पे ये यह हमारा स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट, इस पे ऑपरेट करने लग जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या, अब जैसे मान लो कि अगर मान लो हमारा लो टॉर्क इस मैक्सिमम ब्रेकडाउन टॉर्क से ज़्यादा चला गया, हमारा लो टॉर्क इस मैक्सिमम ब्रेकडाउन टॉर्क से ज़्यादा चला गया, ये मैक्सिमम है तो डेवलप टॉर्क ही, इससे ज़्यादा चला गया, तो अब मोटर क्या करेगी, मोटर हमारी डिसलेट करेगी, स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज होगी। तो स्पीड डिक्रीज होगी, जैसे इस पॉइंट से अगर आगे चला गया तो स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होने के बाद ठीक है डिक्रीज होती जाएगी ऐसे स्पीड, लेकिन फिर हर कंडीशन में देखो, जैसे यहाँ पे देख लो, फिर वापस देखो लोड टॉर्क ज़्यादा है और डेवलप टॉर्क कम है, वापस डिसलेट होगा, स्पीड डिक्रीज होगी, फिर यहाँ पे पहुँचा, फिर यहाँ पे लोड टॉर्क ज़्यादा है, डेवलप टॉर्क कम है, फिर वापस डिक्रीज होगी, यहाँ पे दे पहुँचा, फिर लोड टॉर्क ज़्यादा है, स्पीड डेवलप टॉर्क कम है, फिर वापस डिसलेट होगी, स्पीड डिक्रीज होगी, फाइनली कहाँ पे चली जाएगी, फाइनली वो यहाँ इस कंडीशन पे आ जाएगी जहाँ पे रोटर की स्पीड जीरो है, मतलब हमारी मोटर रुक जाएगी, ठीक है। इसीलिए इस पॉइंट को हमने बोला ब्रेक डाउन पॉइंट। इसके बाद मतलब क्या था, अगर हमारा लोड टॉर्क मोटर के डेवलप टॉर्क से ज़्यादा चला गया, जिसे हम मैक्सिमम पॉइंट बोले, मैक्सिमम पॉइंट से ज़्यादा चला गया, तो मोटर धीरे होते होते स्पीड डिक्रीज होते होते कहाँ पे चले जाएगी, स्टार्टिंग में जहाँ पे उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी, वो होल्ड करने से यहाँ रुक जाएगी पूरी, ठीक है। इसीलिए इस पॉइंट को बोला गया ब्रेक डाउन पॉइंट, मतलब इसके बाद मोटर ब्रेक डाउन हो जाएगी, वो वापस स्टेबल रीजन में नहीं आ पाएगी। एक चीज़ और आपको बता दूँ, अगर हमारा जो है हम फुल लोड टॉर्क लेंगे ना, वो ये मान लेना कुछ यहाँ पे लेंगे फुल लोड टॉर्क, ठीक है, वो मैक्सिमम ब्रेकडाउन टॉर्क के आसपास नहीं लेते, वो लेंगे कुछ बीच में, मैक्सिमम ब्रेकडाउन टॉर्क से आधे के अप्रोक्सीमेट लेते हैं। वो क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर मान लो किसी वजह से कोई डिस्टर्बेंस से जाया, थोड़ा लोड कम हुआ या कोई कोई डिस्टर्बेंस से जाए, तो उसकी वजह से क्या होता, फिर ये शिफ्ट होने लग जाएगा ऑपरेटिंग पॉइंट, फिर वापस ऐसे पावर स्विंग करेगा और फाइनली यहीं पे सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर माला हमारा फुल लोड टॉर्क ही कुछ यहाँ पे है, ठीक है, फुल लोड टॉर्क कुछ यहाँ पे है, ठीक है, फुल लोड जो पॉइंट है ऑपरेटिंग पॉइंट कुछ यहाँ पे है, और इस कंडीशन में अगर डिस्टर्बेंस आया, तो अगर वो ऐसे यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा डिस्टर्बेंस आया और इस पॉइंट पे पहुँचा कुछ यहाँ पे आ गया, तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, धीरे 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 स्पीड डिक्रीज होती 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 कहाँ पे चली जाएगी, जब स्पीड का मान जीरो, मतलब रोटर हॉल्ट कंडीशन में आ जाएगा। इसीलिए हम जो फुल लोड जो टॉर्क होता है ना हमारा, वो मैक्सिमम डेवलप टॉर्क का लगभग आधा होता है, ठीक है। तो वापस यही स्टेबल रीजन क्यों है, क्योंकि इस या अगर इसमें से कोई भी डिस्टॉर्शन हुआ या लोड इंक्रीज हुआ या ऐसे कुछ कंडीशन आई, तो हमारा पॉइंट जो है ना ऑपरेटिंग पॉइंट जिस पे मोटर ऑपरेट करेगी, वो एक जगह पे स्टेबल हो जाएगा, लेकिन इस रीजन में नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको अनस्टेबल रीजन और इस रीजन को हमने स्टेबल रीजन बोला, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने जो पीछे एक्सप्लेन किया वो कि वो पॉइंट्स है, जैसे नो लोड पे सिर्फ फ्रिक्शन लॉस, मान लो हमारा फ्रिक्शन टॉर्क है, तो स्टार्टिंग टॉर्क फ्रिक्शन टॉर्क से ज़्यादा हो, मोटर एक्सेलेरेट करेगी, ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल रीजन में पहुंच जाएगा और मोटर एट स्पीड एन पे ऑपरेट करने लग जाएगी, ठीक है। फिर हमने अगर मान लो लोड टॉर्क को बढ़ाया, इस लोड टॉर्क को बढ़ाया, तो मोटर डिसलेट करेगी, स्पीड डिक्रीज होगी, ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट होगा, ऑसिलेट करेगी ऑपरेटिंग पॉइंट के पास कुछ टाइम के लिए, और फिर फाइनली सेटल डाउन हो जाएगी और स्पीड एन टू पे, ठीक है। फिर वापस लोड को बढ़ाया, लोड थ्री, जैसे लोड को बढ़ाया, मोटर डिसलेट करेगी, स्पीड डिक्रीज होगी, ऑपरेटिंग पॉइंट वापस शिफ्ट होगा, ऑसिलेट करेगा कुछ टाइम के लिए, और फाइनली सेटल डाउन हो जाएगा कहाँ पे, स्पीड एन थ्री पे। और उसके बाद अगर फिर मान लो आपने लोड को बढ़ाया, जो हमने हमारा जो लोड है टी एल फोर था, वो ब्रेकडाउन टॉर्क से ज़्यादा है, जैसे इफ लोड इन विद मोर देन ब्रेकडाउन टॉर्क, तो उस कंडीशन में मोटर डिसलेट होगी, लेकिन कहाँ पे चली जाएगी, होल्ड कंडीशन में, मतलब हमारी मोटर रुक जाएगी, ठीक है। अब देखिए हम रोटर रेजिस्टेंस के इफेक्ट देते हैं, आपको पता है कि हमारा जो मैक्सिमम टॉर्क होता है वो रोटर रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन मैक्सिमम टॉर्क जिस स्लिप पे होगा ना, वो रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो हमने देखा था, क्योंकि हमारा एस स्लिप जिसके ऊपर मैक्सिमम टॉर्क, वो क्या होता है, आर टू अपॉन एक्स एक्स टू नोट नोट, इसलिए क्योंकि वो स्टैंड स्टिल कंडीशन में रिएक्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये है हमारा एस एम जिस स्लिप पे ऊपर हमें मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है, ठीक है, कर्व हमने देखा है था। अब क्या हुआ कि आपने मान लो रेजिस्टेंस को यहाँ से बढ़ाया, जैसे ये है हमारी ओरिजिनल कंडीशन जिसमें स्टार्टिंग टॉर्क ये है और हमारा मैक्सिमम टॉर्क ये है, फिर हमने क्या किया, अब मान लो कि आपने रेजिस्टेंस को बढ़ाया, यहाँ से रेजिस्टेंस को बढ़ाया, तो रेजिस्टेंस को बढ़ाने से क्या हो, जैसे मान लो इस कंडीशन में अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाया, तो एस एम का मान बढ़ेगा, ये एस एम का मान बढ़ेगा,
बड़ा ना यहाँ पे, तो ये कर्व कुछ यहाँ पे था तो वो नीचे की तरफ इधर की तरफ शिफ्ट हो गए, देखो ऐसे आ गया ना कुछ, ऐसे शिफ्ट हो गया। और हमारा मैक्सिमम टॉर्क तो अभी भी यही है, ठीक है, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन जिस स्लिप पे डिपेंड करता, जैसे इस स्लिप पे डिपेंड करता तो ये स्लिप इंक्रीज हो गई, इस स्लिप का मान इंक्रीज हो गया ना, एसएम डेस हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो इस कर्व के अकॉर्डिंग देखो तो यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़ गया ना, पहले स्टार्टिंग टॉर्क इतना था, अब स्टार्टिंग टॉर्क इतना हो गया, स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़ गया। फिर वापस हम रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, मान लो यहाँ से रोटर रेजिस्टेंस को फिर वापस बढ़ाया, तो रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ाया तो क्या, जैसे ये कर्व यहाँ से फिर यहाँ शिफ्ट हो गया, नीचे हो गया ना, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ शिफ्ट हो गया तो हमारा एसएम डबल डेस हो गया, स्लिप का मान एसएम डबल डेस हो गया, यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है। और हमारा स्टार्टिंग टॉर्क देखिए, स्टार्टिंग टॉर्क यही है ना, ये भी इंक्रीज हो गया। और फिर मान लो फिर वापस मैंने रेजिस्टेंस को बढ़ाया, रोटर रेजिस्टेंस को फिर बढ़ाया, ठीक है, जब हमारा आर टू इक्वल टू एक्स टू हो जाए तो उस कंडीशन में हम स्लिप का मान क्या मिलेगा, 1। और यहाँ मैक्सिमम स्लिप पे जैसे मान लो कि एस इक्वल टू 1 पे चले गए, ठीक है, उस कंडीशन में हमें टॉर्क कितना मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। ये देखो मैक्सिमम टॉर्क यहाँ पे मिल रहा है, मैक्सिमम टॉर्क यहाँ पे मिल रहा है ना, ये हमारा मैक्सिमम टॉर्क है। लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क देखो, स्टार्टिंग टॉर्क कहाँ पे चला गया, यहाँ पे, मतलब स्टार्टिंग टॉर्क अब मैक्सिमम टॉर्क के इक्वल हो गया जब रोटर रेजिस्टेंस हमारे रिएक्टेंस के इक्वल हो जाए। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा जब टॉर्क इक्वेशन को डेराइव किया था, वो स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क में रिलेशन निकाले थे, उस कंडीशन पे भी देखा जब आर टू का मान एक एक्स टू के इक्वल हो जाए तो स्टार्टिंग टॉर्क हमारा मैक्सिमम टॉर्क होता है। तो मतलब यहाँ जो स्टार्टिंग टॉर्क है ना ये मैक्सिमम प्रोड्यूस करेगा इस पॉइंट पे जब स्लिप का मान 1 हो जाए या रोटर रेजिस्टेंस एक्स टू के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो फाइनली हम क्या देख रहे हैं कि अगर रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं ना तो हमारी स्लिप का मान बढ़ रहा है, या जिस स्लिप के ऊपर मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है उस स्लिप का मान बढ़ रहा है, लेकिन क्या मैक्सिमम टॉर्क का मान बढ़ रहा है, नहीं ना। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो मैक्सिमम टॉर्क सब में हर पॉइंट पे इक्वल है, तो रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो स्लिप का मान बढ़ रहा है लेकिन मैक्सिमम टॉर्क जो मिलेगा उसका मान नहीं बढ़ रहा। और क्या बढ़ रहे हैं, और हमारा स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ रहे हैं, पहले स्टार्टिंग टॉर्क यहाँ था फिर यहाँ हो गया फिर यहाँ हो गया, तो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ रहा है, तो रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाने स्लिप का मान बढ़ रहा है, मैक्सिमम टॉर्क नहीं बढ़ रहा, और क्या बढ़ रहा है, स्टार्टिंग टॉर्क का मान बढ़ रहा है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसका सबका कंक्लूडेड पॉइंट्स है, तो ये जो स्लिप जिसके ऊपर हमें मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा हो वो किस पर डिपेंड करती है, रोटर रेजिस्टेंस पे, और वो क्या होती है, एस एम इक्वल टू आर टू अपॉन एक्स टू नोट, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो स्लिप का मान बढ़ेगा, जिस स्लिप के ऊपर कौन से स्लिप, एस एम का मान बढ़ेगा, जिस स्लिप के ऊपर मैक्सिमम टॉर्क मिलता है उसका मान बढ़ेगा। पुल आउट स्पीड, ठीक है, स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी ना, ठीक है, बट द मैक्सिमम टॉर्क रिमेंस कॉन्स्टेंट, मैक्सिमम जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट रहता है, वो हमने देखा। लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज होगा, तो रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो स्लिप का मान बढ़ेगा, पुल आउट स्पीड कम होगी, मैक्सिमम टॉर्क कॉन्स्टेंट रहता है और स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ता है, ठीक है। जो नॉर्मल ऑपरेटिंग पॉइंट होगा ना हमारा, वो मैक्सिमम टॉर्क से नीचे रहता है, ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट स्लाइड्स में देखी है हमने। एक चीज़ और, टॉर्क स्लिप कर्व है ना वो लीनियर है, किस रीजन में, स्टेबल रीजन में, या हम जिसे बोलते हैं लो स्लिप रीजन के अंदर, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किस रीजन में, अनस्टेबल रीजन में या मीडियम स्लिप रीजन में, ठीक है। एक पॉइंट और, स्टार्टिंग जो जो होगा ना हमारा वो 1.5 टाइम्स फुल लोड टॉर्क के होना चाहिए, वो स्टार्टिंग टॉर्क, मान लो कि जो हमारा लोड है वो है 5 न्यूटन मीटर, ठीक है, तो स्टार्टिंग टॉर्क अगर मान लो 7.5 न्यूटन मीटर हुआ तभी तो मोटर हमारी एक्सेलेरेट कर पाएगी और स्टेबल रीजन में पहुंचने की कोशिश करेगी ऑपरेटिंग पॉइंट पे। तो ये आज बात की हमने टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक से संबंधित सभी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, और फिर भी आपको रिलेटेड क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।